हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। देखिए, ये मशीन हमारे बनाने के लिए आया है। इसका प्रॉब्लम है, साउंड भी चलाने से जोर करता है और सूता भी काट रहा है। उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे आपको रिपेयरिंग करके दिखाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। कस्टमर भी बैठे हुए हैं, उनको भी देना है, इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको क्या क्या खोलना पड़ेगा। देखिए, इसका जो प्लेट है पूरा फट गया है। फट जाने से क्या होगा, हमारा कपड़ा हमेशा नीचे न छोड़ देगा और खींच लेगा। देखिए, इसका प्लेट पूरा फट गया है, जिससे हमारा सिलाई हमेशा डिफेक्ट ही आएगा। इधर भी धार हो गया है, ये तो सूत चलेगा ही नहीं, पूरा फट गया है, जो कि हमारा ये राउंड रहता है। देखिए, साउंड करने का वजह ये हमारा झोला जो है, ये हमारा ऐसे करने से डब हो गया है, पूरा ये लूज हो गया है और चलाने से ठाए ठाए मशीन में साउंड आएगा। ये जो हमारा झोला गोली है, झोला में लगा हुआ है, ये चलाने से झटका मरता है, तो इसको टाइट करना पड़ता है। देखिए, इसको जब भी टाइट कीजिएगा, इसको लिमिट में किया जाता है। ज़्यादा टाइट भी हो जाने से हमारा चलेगा नहीं, ये टूट भी जाएगा, इसलिए लिमिट आपको रखना है कि ढीला भी ना हो और टाइट भी नहीं हो। ये टेपर स्क्रू बोला जाता है, ये भी हमारा लूज है, इसको भी टाइट करेंगे। नीचे के पार्ट सब लूज हो गया है, सबको एडजस्टमेंट करेंगे। बीच बीच में आपको तेल भी देना पड़ता है। देखिए, इस पीछे में भी हमारा पार्ट्स लगा हुआ है, इसको भी टाइट करना है, फिक्स करना है और तेल भी देना है। ये हमारा चाल बूस है, ये भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये सेंटर में नहीं रहने से आपका मशीन कम खींचता है।
देखिए मशीन का जो साउंड था वो तो हमने ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन अब इसको रिपेयरिंग करेंगे, क्या पार्ट्स लगेगा, अगर पार्ट्स ख़राब है उसको हम चेंज करेंगे ताकि मशीन हमारा सही चले। तो ये हमारा रेस बॉडी है, ये पूरा ही लगाएंगे। ये शटल है, ये भी देखिए ये सुई से लड़ गया है और ये कट गया है, इसमें जितना भी हमारा धागा जाएगा ये धागा को काट देगा, इसलिए दोनों सेट ही हमारा इसमें लगेगा। ये सब लगा करके हम मशीन को पूरा ओके करेंगे। देखो इसको बैठाना कैसे है, ये हमारा कैरियर पत्ती का नॉट जो है ये बाबरी हो गया है, अगर इसको सही हम हाथ से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसको आपको एमरी पेपर से इसको थोड़ा रगड़ना है, देखिए कैरियर पत्ती का नट हमारा डिफेक्ट है, इसका साइज बड़ा है, ये हाथ में लगता है तो सूता जब हमारा क्रॉस करेगा तो सूता को हमेशा बार बार तोड़ देगा। पत्ती भी खराब है, पत्ती भी चेंज कर लेते हैं। देखिए पत्ती भी यहाँ कट हो गया है, कट हो जाने से क्या होगा, जितना भी हमारा सही मशीन रहेगा सूता बारंबार काटेगा। ये हमारा न्यू पत्ती है, देखिए पूरा प्लेन है, कहीं से भी कट नहीं है। इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए वन साइड में टेढ़ा रहता है, टेढ़ा आपको दाहिने साइड में रहेगा, ऐसे लगा के आप भी टाइट कर सकते हैं। ये दोनों नॉट को आपको फुल टाइट मारना है, अगर लूज रहेगा तो बारंबार सूता काटेगा। तो ये हमारा अच्छी तरह से टाइट हो गया, देखिए अब हाथ में भी नहीं लग रहा है और सूता भी आपका नहीं काटेगा मशीन। और थोड़े एमरी पेपर मार के इसको स्लिपिंग कर देंगे। चलिए नॉट सेट भी सेट करते हैं।
तो देखिए ये हमने नॉन सेटल भी बैठा लिए हैं, अब सुई लगा करके चेक करेंगे। तो देखिए आपको सुई कैसे लगाना है, ये जो हमारा चक्का है ये दाहिने साइड में रहेगा, ये चुटकी को लूज कीजिएगा, इसमें अंदर होल बना हुआ है, सीधा करके आपको ऊपर पुश कर देना है और फिर इसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है। देखिए सुई लगा दी है, लेकिन ये हमारा लिंक जो है, लिंक हमारा ये हिल रहा है, इसको टाइट करने के लिए आपको क्या करना है, ये लिंक में स्क्रू लगा हुआ रहता है, इसको थोड़ा आपको टाइट करना है। ज्यादा भी टाइट नहीं करना है, थोड़ा हल्का ही रखिएगा, नहीं तो टूट जाएगा। अब सुई का मेजरमेंट भी देख लेते हैं, सुई का मेजरमेंट भी सही है। ये हमारा दांत है, इसको थोड़ा साफ कीजिएगा, साफ नहीं करने से कपड़ा टालने में इसको परेशानी होता है। अब चलिए प्लेट लगाते हैं। प्लेट लगाने के बाद में आपको थोड़ा नीडल चेक करना है, नीडल कहाँ गिरा है। तो देखिए थोड़ा सा हमारा टॉच हो रहा है सुई प्लेट में, तो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ा प्लेट को भी इधर उधर करेंगे, इधर से थोड़ा मारेंगे हल्का। देखिए नीडल में आ गया, चलिए चाप लगाते हैं। ये हमारा चाप है, चाप को इसमें लगा के स्क्रू टाइट कर देने से आपका फिक्स हो जाएगा। देखिए ये हमारा सुई टच होके जा रहा है, इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो हमारा चाप है या प्रेशर पुट है उसको साइज करने के लिए आपको ये ब्रैकेट का स्क्रू लूज करना है और हल्का सा थोड़ा घुमाइएगा, सेंटर में ला के फिक्स कर देना है। ये ब्रैकेट का लॉक है, इसको लॉक कर देने से हमारा रॉड फिक्स हो जाता है। दांत भी हमारा ऊपर है और थोड़ा नीचे करेंगे, दांत ऊपर रहेगा तो कपड़ा सही नहीं टानेगा, इसलिए दांत को एडजस्ट करने के लिए आपको थोड़ा हल्का सा नीचे उतारना पड़ेगा।
चारों तरफ थोड़ा तेल डाल देते हैं। वैसे हमारा मशीन कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सूता लगा करके भी चेक करेंगे कैसा मशीन चल रहा है। चलिए नीचे का सूता उठा करके चेक कर रहे हैं, अगर सही उठाएगा तो मशीन हमारा सही है। देखिए एक बार में हमारा सूता नीचे का उठा लाया। अब इसको कपड़ा पर सिलाई करेंगे। तो देखिए टेस्ट करके चेक कर रहे हैं हमारा मशीन कैसा चल रहा है। जो पहले साउंड भी कर रहा था, सूता भी काट रहा था, सब इसका प्रॉब्लम बंद हो गया। देखिए ये वाला सिलाई हमारा है, नीचे का भी सही आया है। ये फर्स्ट हमने किया लेकिन इसका सिलाई हमारा ख़राब आया था, बीच बीच में गंठी गंठी टाइप का आ रहा था। इसका वजह क्या था, ये हमारा लूज था। इसको थोड़ा हल्का टाइट कर देने के बाद में हमारा सिलाई पूरा ओके हो गया। तो चलिए थोड़ा स्टैंड पे इसको चला कर भी चेक करते हैं। देखिए ये हमारा ऊपर का सिलाई है और ये हमारा नीचे का सिलाई है, दोनों सिलाई हमारा सेम आ गया है। मशीन हमारा ओके हो गया है। मशीन में साउंड भी हो रहा था वो भी ख़त्म हो गया, मशीन धागा काट रहा था वो भी ख़त्म है, छोड़ रहा था वो भी ख़त्म है, पूरा ओके हो गया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।